क्रेडाई बीएनएम एक्सपो 2023 1 डिसेंबर ते 4 डिसेंबर 2023 नवी मुंबई वाशी सिडको एक्झिबिशन सेंटर आपले घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक भेट द्या. एप्रिल 2023 मध्ये घेण्यात आलेल्या 21व्या यशस्वी मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 नंतर ग्राहकांच्या मागणीनुसार पुन्हा एकदा एकाच वर्षात दुसऱ्यांदा 22व्या मेगा प्रॉपर्टीचं भव्य प्रदर्शन. 20 लाखांपासून 20 करोडोपर्यंतच्या सर्व प्रॉपर्टी एकाच छताखाली खरेदी करण्याची सुवर्ण संधी. मग वाट कसली पाहता? क्रेडाई बीएनएम 22व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 ला नक्की भेट द्या आणि आपल्या स्वप्नातील घर खरेदी करा. मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023. नमस्कार, मी सचिन मोरे, आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातम्या. क्रेडाई बीएनएमच्या वतीने नवी मुंबईतील वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटर येथे 1 ते 4 डिसेंबर दरम्यान आयोजित करण्यात आलेल्या 22व्या मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो 2023 ला लोकांचा भरघोस प्रतिसाद लाभत आहे. अशा या मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकनेते आमदार गणेश नाईक आणि भाजपाचे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार संदीप नाईक यांनी भेट देऊन संपूर्ण एक्झिबिशनची पाहणी केली आहे. यावेळी त्याच समवेत बीएनएम मॅनेजिंग कमिटीचे अध्यक्ष वसंत भद्रा, सेक्रेटरी जिगर त्रिवेदी, संयोजक शैलेश पटेल, सहसंयोजक प्रवीण पटेल, हितेश गामी, महेश पटेल, जुबिन संघोई आणि संपूर्ण बीएनएम कमिटी मेंबर्स उपस्थित होते. क्रेडाई बीएनएम के माध्यम से साल में दो बार होता होगा, तुम बोलो अगले साल में 3 बार. इसका मतलब इसका इस इंडिकेशन कि देयर इज मोर वांट. जब इंसान खाने के टेबल की ओर जाते हैं, इसका मतलब उसको भूख होती है तो आ जाता है. तो नई मुंबई का फ्यूचर बहुत ब्राइट है. नई मुंबई में ये बिल्डर बोले जाए तो भवन निर्माता, ये लोगों के लिए अभी इन लोगों ने, नई मुंबई के बिल्डर एसोसिएशन ने, भले वो नई मुंबई महापालिका का क्षेत्र हो, पनवेल हो, उरण हो, उस इलाके में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं. तकलीफें हैं लेकिन मैं उनको एहसास दे रहा हूँ कि तकलीफें ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली. बहुत जल्दी ये तकलीफों पे पूरा रास्ता निकल जाएगा. मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस, अजय जी पवार और सब लोग, भले आप लंबे से देख के आप लोगों को कुछ अलग थलग लगता होगा, लेकिन कोई अड़चन है तो मेरे पास में आओ, मैं आपके अड़चन को पूरा रास्ता निकालूंगा. और ये राज्य प्रगति पथ पर जा रहे हैं. आगे चल के नई मुंबई के बिल्डर लोगों को और नई मुंबई की जनता को भी अच्छे दिन आने वाले, ऐसा मैं कहता हूँ. प्राइवेट में उनसे बात करो, जब से नई मुंबई में बिल्डर आए, बिल्डर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनी, तब से गणेश नाईक उनके साथ में. मैं एक बैच में बोलना चाहूँगा, एक ही पॉलिटिशियन या नेता हमारे लिए है जो बिल्डर का दोस्त बताता है कि मैं सभी नवी मुंबई के जितने भी बिल्डर हैं उनका मैं दोस्त हूँ. बाकी कोई इतना करीब से कोई आता नहीं हमारे पास में, एक ही आदमी है. कैमरामैन इकबाल शेख सह निशा ढिंगरे, जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.